हाय फ्रेंड्स, आज हम हमारे ऑफिस का एक एक्सपीरियंस आप लोग के सबके साथ में शेयर करना चाहते हैं, जहाँ पे वायु का जो चिलर है उसको हमने एक लाइव डेमो की तरह यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, जिसमें आप अगर ऊपर देखेंगे तो डक्टिंग पूरी आपको विजिबल होती है। किस तरह से हमने डक्टिंग की हुई है हमारे पूरे ऊपर कैबिन में, और किस तरह से हम इस डक्टिंग को अलग अलग शेप्स एंड साइज़ में हमने लगाया है, सो दैट इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपके रेसिडेंस के लिए या आपकी फैक्ट्री के लिए या आपके रेस्टोरेंट के लिए या आपके ऑफिस के लिए किस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। अब मैं आपको मैं मशीन भी आपको दिखाता हूँ। हमारी मशीन है जो मेक 30 है, और ये 10 टन की मशीन होती है, जिसको हम 1 टन पे भी चला सकते हैं, 10 टन पे भी चला सकते हैं और 12 टन पे भी चला सकते हैं। तो ये वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव के साथ में होती है, जो हर टन के हिसाब से अपना पावर कंजम्पशन करती है। इसके कंपोनेंट्स में हमने जो मशीन है अभी हमने बंद कर रखी है, अब हम मशीन को ऑन भी करते हैं और आपको दिखाते हैं हाउ इट वर्क्स। अभी मैंने मशीन जब स्टार्ट करी है, अमूमन बाहर का टेम्परेचर कुछ 20-22 के आसपास का है, एंड हम मशीन को करीब 4 टन पे यूज़ करते हैं, और 4 टन पे यूज़ करने पे इसका आप पावर कंजम्पशन अगर देखेंगे तो वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, और जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो रहा है। ये आपको यहाँ पे ये भी दिखा रही है कितना इसके अंदर वाटर कैपेसिटी है अभी, और ये किस मोड में ऑपरेशनल है। इसमें तरह तरह के मोड्स दिए हमने, जो एक कस्टमर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इसको यूज़ कर रहे हैं, वेदर वो समर में यूज़ कर रहे हैं, रेनी सीजन में यूज़ कर रहे हैं या विंटर में यूज़ कर रहे हैं। आज हम विंटर में यूज़ करते हुए अभी आप देखेंगे मैंने मशीन ऑन करी है, और ऑन करने के कुछ हार्डली 10 सेकेंड 20 सेकेंड के अंदर ही हम टेम्परेचर आपको दिखा सकते हैं जो 14 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो अगर आप कोई इस साल सोच रहे हैं कि एयर कूलिंग करनी है या एयर कंडीशनिंग करनी है, तो डेफिनेटली आपको वायु के एक्सपीरियंस जोन पे आके एक बार देखना ही चाहिए, क्योंकि चॉइस आपकी है क्या हम चिपचिपाहट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर हम नहीं करते हैं और पावर कंजम्पशन भी कम करते हैं, जो एक एसी की तुलना में 80% 80% रिड्यूस होता है, तो मुझे लगता है कि आपकी चॉइस वायु होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग एयर कंडीशनिंग, एयर कूलिंग, आप हमें पोस्ट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें विजिट कर सकते हैं। हम आपके नए बंगलों के लिए, फैक्ट्री के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, कोई भी एप्लीकेशन हो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। वायु के पास में अपनी खुद की डिज़ाइन टीम है, एग्जीक्यूशन टीम है, जो डक्टिंग से लेके सब चीज़ एग्जीक्यूट करती है। सो वी आर एज प्रोफेशनल एज अ मल्टीनेशनल कंपनी। आज हम 24 राज्यों में काम करते हैं, इंस्टॉलेशंस करते हैं, और उसी का हम एक्सपीरियंस आप लोग के साथ में शेयर करते हैं। इंदौर में हम प्राउडली आपको बोल सकते हैं कि हम 60% मार्केट शेयर पे आज हैं, जिसमें हमने कई बड़ी इंस्टॉलेशंस पे हमने एसी को बीट करके अपनी मशीन लगाई है। इसमें से 2 प्रीमियम कस्टमर जो हमने लास्ट पैंडेमिक के बाद जोड़े हैं, उनका नाम लेना मैं ज़रूर चाहूँगा। एक है डेली कॉलेज, जो एक इंदौर का जाना माना स्कूल है और इंदौर की शान है। एजुकेशन सेक्टर में डेली कॉलेज नंबर 1 पे खड़ा होता है। आज हम डेली कॉलेज का सारा जो हॉस्टल्स हैं वो हम कर रहे हैं, और उसके बाद में सेकेंड स्टेज में हम उनके डाइनिंग हॉल्स भी करने वाले हैं। दूसरा, इंदौर का पहला स्नो पार्क, इंदौर की जनता के लिए पहला स्नो पार्क वो वायु ने करा है और करीब करीब 15,000 से 20,000 स्क्वायर फीट का एरिया जो उस स्नो पार्क में है वो वायु से ही चिलिंग हुआ है। तो आज मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब भी आप प्लान करें आप ज़रूर वायु को एक मौका दें। मौका इसलिए दें क्योंकि ये आपके खुद के शहर का प्रोडक्ट है, इंदौर का प्रोडक्ट है, जिसकी ख्याति वर्ल्ड वाइड है। तो क्यों ना आपके घर पे भी हम चिलिंग करें, कूलिंग नहीं करें। हमें कूलिंग नहीं करनी, हमें चिलिंग करनी है। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर आइए, मोस्ट वेलकम, थैंक यू।